इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आप बता सकते हो कि ये चीज क्या है? हाँ, मुझे पता है ये मेरा वाइट टी शर्ट है, पर जरा पास आकर देखो ये चीज क्या है। ये येलो मार्क्स मेरे वाइट टी शर्ट के आर्म पिट्स पे, ये क्या चीज है? क्या आप ये चीज बता सकते हो? मेरे को पता है आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे कि ये येलो स्टेन पसीने की वजह से आया है मेरे वाइट टी शर्ट पे, जो कि पार्शियली करेक्ट है लेकिन कम्प्लीटली सही नहीं है। ये जो येलो स्टेन हमारे व्हाइट कपड़ों पे आते हैं, ये आते हैं एल्यूमिनियम के वजह से जो हमारे डिओड्रेंट्स या फ्रेग्रेंस में प्रेजेंट होता है। अभी के मैक्सिमम फ्रेग्रेंस में या फिर डिओड्रेंट्स में या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स में, एंटी परस्पिरेंट्स भी हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स में एल्यूमिनियम डाला जाता है, एल्यूमिनियम सॉल्ट्स डाले जाते हैं, जिनके वजह से ये येलो स्टेन्स पड़ते हैं। जब ये एल्यूमिनियम सॉल्ट्स हमारे स्वेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये येलो स्टेन प्रोड्यूस करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग यही चीज डिस्कस करने वाले कि हम लोग कैसे ये येलो स्टेन्स को हटाएं। अब आप एक चीज समझो कि आप कितने भी हाइजीनिक बंदे क्यों ना हो, अगर आप डिओड्रेंट्स, एंटी परस्पिरेंट्स और फ्रेग्रेंस यूज करते हो तो आपके भी शर्ट में या फिर व्हाइट शर्ट में ये येलो स्टेन पड़ेगा ही पड़ेगा। कई बार ये येलो स्टेन हमारे कपड़ों पे हमारे बैड ईटिंग हैबिट्स और स्वेट में इम्प्यूरिटी के वजह से ही आते हैं। तो अगर आप दुनिया के सबसे हाइजीनिक बंदे हो, फिर भी आपके शर्ट में ये येलो स्टेन पड़ेगा। और हम में से ज्यादातर लोग अपने व्हाइट टी शर्ट्स को इसीलिए फेंक देते हैं ताकि उनको लगता है कि ये येलो स्टेन पड़ने के बाद उनका जो व्हाइट टी शर्ट है वो खराब हो चुका है। पर इस वीडियो में मैं आपको ये चीज करने से रोकूंगा, मैं आपको पैसा वेस्ट होने से बचाऊंगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कैसे ये येलो स्टेन हटा सकते हैं अपने व्हाइट टी शर्ट से काफी इजिली। सो वीडियो में बने रहो एंड लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहला चीज या फिर सबसे पहला रेमेडी, यूज बेकिंग सोडा व्हेन यू सोक योर क्लोथ्स। जब भी आप अपने कपड़ों को भिगो आप उसमें बेकिंग सोडा का यूज करो। आपको कैसे यूज करना है बेकिंग सोडा, बहुत ही सिंपल है। 4 लीटर पानी में आपको 1 कप बेकिंग सोडा का यूज करना है। बेकिंग सोडा हर किसी के घर पे मिल ही जाता है, और अगर घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी ग्रोसरी स्टोर से ला सकते हो। आप बेकिंग सोडा का यूज करके अपने व्हाइट टी शर्ट को फिर से व्हाइट बना सकते हो, येलो स्टेन्स उसपे से हटा सकते हो। सेकेंड चीज जो आपको करना है इज यूज व्हाइट विनेगर। आपको व्हाइट विनेगर का यूज करना है। जब भी आप अपने कपड़े को भिगो रहे हो आप क्या करो कि सेम बकेट में आप 1/2 कप विनेगर डाल दो और देन उसको 10 से 15 मिनट सोक करके रख दो उसमें। एंड उसके बाद क्या करो, आप उसको जैसे नॉर्मली धोते हो वैसे धो दो। इससे क्या होगा, व्हाइट विनेगर से पहला तो आपका जो स्टेन रहेगा येलो स्टेन वो हट जाएगा, सेकेंड चीज आपके कपड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, एक अलग सा कंफर्ट आ जाएगा उसमें, और थर्ड आपके कपड़ों में ब्राइटनेस आएगा। अब आप ये ऑब्वियसली येलो स्टेन हटाने के लिए व्हाइट कपड़ों के साथ भी कर सकते हो, एंड आप बाकी कलर के कपड़ों के साथ भी व्हाइट विनेगर का यूज कर सकते हो, और बेकिंग सोडा का जो मैंने इससे पहले वाले रेमेडी में बताया वो भी आप बाकी कपड़ों के साथ कर सकते हो। थर्ड रेमेडी, यूज ऑफ एस्पिरिन। जी हाँ, एस्पिरिन के टैबलेट्स को यूज करके अपने कपड़ों को व्हाइट कर सकते हो। आप जब भी अपने व्हाइट कपड़ों को भिगो रहे हो तो सेम बकेट में 1/2 बकेट पानी लो एंड उसमें 7 एस्पिरिन के टैबलेट्स तोड़ के डाल दो। जी हाँ, वही एस्पिरिन के टैबलेट्स जिससे हम अपना सर दर्द भगाते हैं, आप उससे अपने कपड़ों को व्हाइट करोगे, येलो स्टेन हटाओगे ऑब्वियसली व्हाइट कपड़ों से। तोड़ के डाल दो 7 एस्पिरिन के टैबलेट्स और उसे अच्छे से घोल दो, एंड देन उसमें अपने व्हाइट टी शर्ट को डाल के 10 से 15 मिनट सोक करके रख दो। 15 मिनट बाद निकाल के सुखा दो, आपका जो येलो स्टेन हट जाएगा व्हाइट कपड़े से और आपका कपड़ा वापस से व्हाइट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज आप ध्यान में रखना कि आप बाकी के कलर्स के साथ एस्पिरिन को यूज मत करना, क्योंकि इससे क्या होगा, जो बाकी के कलर्स के कपड़े हैं वो खराब हो जाएंगे या फिर खराब हो सकते हैं। टिप नंबर 4, सोक योर व्हाइट क्लोथ्स इन लेमन जूस। सेम चीज है, जब आप अपने कपड़े को सोक करने जा रहे हो या फिर सोक करने वाले हो तो क्या करो कि सेम बकेट में आप 3/4 पानी लो एंड 1/4 लेमन जूस लो, मिक्स करो उसको अच्छे से, एंड देन उसमें अपने कपड़े को सोक करके रख दो डिटर्जेंट के साथ। ऑब्वियसली हम सभी टिप में डिटर्जेंट का यूज करेंगे क्योंकि सोकिंग के लिए डिटर्जेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्वियस सब बात, अगर आपको अपने कपड़ों को धोना है तो डिटर्जेंट आप यूज करोगे, इसलिए मैं बार बार बोल नहीं रहा हूँ वो चीज। आप चाहो तो सर्फ के जगह पर डिशवाशर जेल या फिर डिशवाशर सोप यूज कर सकते हो, आप उसमें अपने कपड़ों को सोक करके रख सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा उपाय है अपने शर्ट से या टी शर्ट से येलो स्टेन को हटाने के लिए। आप 3/4 पानी रखो एंड 1/4 लेमन जूस डिटर्जेंट के साथ मिक्स करो, एंड अपना जो व्हाइट कपड़ा है, जितना व्हाइट कपड़े में आपका येलो स्टेन है, सभी को डाल दो बकेट में, 10 से 15 मिनट सोक करो, उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद निकाल कर उसे धो दो, धो के सुखा दो, आपका येलो स्टेन हट जाएगा। फाइनल टिप, ड्राई अंडर सनलाइट। आपको अपने कपड़ों को धोने के बाद सनलाइट के नीचे सुखाना है। इससे क्या होगा, आपके कपड़े नेचुरली ब्लीच हो जाएंगे, जो सन का रे है या फिर सनलाइट बोलते हैं, सनलाइट आपके कपड़ों को नेचुरली ब्लीच कर देगा और उसमें ब्लीच का सुगंध भी बरकरार रखेगा।
तो आपको सन ड्राई करना है अपने कपड़ों को अगर उसमें येलो स्टेन है तो। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अगर किसी के पास व्हाइट शर्ट है तो उसका व्हाइट शर्ट बर्बाद ना हो, वो बस एक येलो स्टेन की वजह से अपने शर्ट को फेंके ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, पीस।